शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समंदर में जिंदगी बचाने की जंग अभी भी जारी है। समंदर में लापता 80 लोगों की तलाश में जुटी है नेवी। बता दें कि ONGC के जहाज से अब भी 80 लोग ऐसे हैं जो लापता है। मुंबई के पास अरब सागर से अवध 600 से ज्यादा का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो समंदर में जिंदगी बचाने की जंग अभी भी जारी है। कल से ये जंग लड़ रही है NDRF की टीमें, लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल समंदर में 80 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता है, जिनकी तलाश में नेवी फिलहाल जुटी हुई है। यहाँ पर ONGC के जहाज से अब भी 80 लोग लापता है। तो बड़ी खबर ये, मुंबई के पास अरब सागर से अवध 600 से ज्यादा का रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। दरअसल जिस तरीके से लगातार तूफान कहर बरपा रहा था और इस बीच जहाज के डूबने की खबर सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि 80 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, लापता है ये 80 लोग समंदर में, जिनकी तलाश में फिलहाल नेवी जुटी हुई है। जी जान से कोशिश की जा रही है, कड़ी मशक्कत की जा रही है, कैसे भी इन लोगों को ढूंढा जा सके। और आखिर ये 80 लोग गए तो कहां गए? तो समंदर में जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। ONGC के जहाज से अब भी 80 लोग ऐसे हैं जो लापता है और जिनको ढूंढने की कोशिश है नेवी की तरफ से की जा रही है। इन लोगों की तलाश की जा रही है मुंबई के पास अरब सागर से। बता दें कि अब तक 600 से ज्यादा का रेस्क्यू किया जा चुका है, अब तक 600 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन 80 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता है, जिनका कुछ अता पता नहीं है, लिहाजा उनकी तलाश में नेवी जुटी हुई है। प्रधानमंत्री का हवाई दौरा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आज हवाई दौरा कर रहे हैं और राजस्थान में तावते की एंट्री हो गई है। आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि आज देश की बड़ी खबरें क्या रहेंगी। पीएम का हवाई दौरा है, गुजरात में एक समीक्षा बैठक है उसको भी संबोधित करेंगे, साथ ही साथ महाराष्ट्र, दमन दीव और गुजरात में जहां जहां तावते ने तबाही मचाई है एरियल सर्वे करेंगे, जायजा लेंगे कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा आपको लगातार हम ये खबर भी बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त समंदर में जिंदगी की जंग जो है वो लड़ी जा रही है, क्योंकि 80 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता है, नेवी लगातार उनकी तलाश कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस तावते तूफान का असर उत्तर भारत में कैसा पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी मौसम का मिजाज कल से बदल रहा है। तो उत्तर भारत में तावते के असर की बात हम यहां पर कर रहे हैं, खासा असर देखा जा रहा है। दिल्ली में कई जगह झमाझम बारिश हो रही है और आपको हम दिखाते हैं अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। तपिश का महीना होता है, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह का मौसम दिल्ली का हो तो काफी सुहावना हो जाता है। इसमें वेदर आप दिखाएंगे ऊपर की तरफ हम, तो आप देखेंगे कि घना कोहरा छाया हुआ है, लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ये कहा है कि कल शाम तक ऐसा ही मौसम बरकरार रहेगा और रुक रुक के बारिशें होती रहेंगी। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो क्या सोच रही है इस मौसम को लेकर, इनसे बात कर लेते हैं। नादल साहब, परिवार परिवार साथ आप घूम रहे हैं? हाँ जी। क्या मौसम का मजे ले रहे हैं या कोरोना का डर भी है? कोरोना का डर तो देखो पहले से ज्यादा है, अब तो इस वाली वेव में और ज्यादा हो गया है। बट ये है कि मौसम चेंज हुआ है और अच्छी बात यह है कि जैसे और स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो गई है और लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिल्ली के लिए ये थोड़ा सा सुहावना टाइप में हो गया कि लोग इंजॉय। साइक्लोन का इफेक्ट भी माना जा रहा है? इफेक्ट तो साइक्लोन का ही है, बट अगर आप वैसे निकलना चाहो तो इस वाले में दिल्ली में एटलीस्ट आप निकल पा रहे हो बाहर। चलिए निकल रहे। डर है कोरोना का भी? बिल्कुल डर है, लेकिन मौसम का मजा भी लेना है। एक्चुअली मौसम का मजा लेना है, बच्चे घर में रह रह के परेशान हो गए हैं, तो एक दिन ऐसा निकला है कि चलो बच्चों को घुमा लाए, तो सुबह का टाइम बेस्ट है कि बच्चों को इस टाइम ला सकते हैं, मौसम हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा वेदर है। एक्चुअली वेदर अच्छा है यहाँ पर, तो एक कोरोना के डर की वजह से लोग घर में बैठे बैठे थक गए थे, परेशान हो गए थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि अपने परिवार के साथ इस मौसम का थोड़ा आनंद ले सके, इसलिए वो घरों से बाहर निकले। लेकिन फिर भी इंडिया न्यूज उन तभी लोगों को कहेगा कि कोरोना का समय है इसलिए घर में रहिए, मौसम का मजा आप घर से लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा वेदर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मौसम जो है पूरा सुहाना रखा, रुक रुक के बारिशें हो रही है और ऐसा ही कुछ कमोपेश ये कल शाम तक जारी रहेगा। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज दिल्ली। गुजरात के इलाकों में क्या हाल है, इसके अलावा गुजरात में तबाही मचाकर अब तावते राजस्थान में एंट्री कर चुका है, इसके अलावा उत्तर भारत में भी दिल्ली के मौसम के मिजाज से आपको हमने वाकिफ कराया कि यहाँ पर कैसा असर इसको देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से सब्यसाची हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा गुजरात से अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी जगह का हम रुख करेंगे और जाएंगे वहां पर भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं गुजरात का, जहां पर अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत,
फिलहाल क्या स्थिति वहां पर, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के रुख कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम को लेकर क्या अपडेट ताजा? लगातार दो दिन से जो साइक्लोन है उसका कहर मचा हुआ था, कोरोना के बीच में जो जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था और साथ में साइक्लोन भी आया और उसके कारण सौराष्ट्र के जो दरियाई इलाका है, समुद्र इलाका है, बहुत सारा नुकसान किया है। खास करके ऊना में ये लैंडफॉल हुआ था और वहां पे जो सबसे ज्यादा वणाक बारा जो इफेक्ट किया था और वहां से गीर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली में काफी सारा नुकसान किया है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक देखा जाए तो 70,000 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट चुके हैं और 6,500 से ज्यादा गांवों का पावर सप्लाई भी रुक गया था। लेकिन हालांकि ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने कल ये बयान दिया कि 2500 जितने गांवों में पावर सप्लाई पुनः स्थापित किया गया है और बाकी गांवों के लिए काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने देर शाम को पत्रकारों के साथ बातचीत जो भी नुकसान हुआ है उसमें कच्चे मकान और पक्के मकान जिनका नुकसान हुआ है उसको ठीक है, इसी का जायजा लेने प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, समीक्षा बैठक क्या लेंगे, अभिजीत आएंगे आपके पास, एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, परसों से लेकर कल तक जो रिपोर्ट्स आपने ग्राउंड की भेजी, वहां देखा हमने कि पालघर में बिजली की सप्लाई नहीं थी, पेड़ बहुत गिरे हुए थे, क्या अब मुंबई और महाराष्ट्र सेफ है, आकलन क्या है, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है रजत। जितने भी जगह पर नुकसान हुआ था, जहां पर लाइटें नहीं थी, कम से कम जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे थे, कम से कम उन जगहों पर धीरे धीरे लाइटें आ रही हैं, धीरे धीरे मोबाइल नेटवर्क आने शुरू हुए हैं, लोगों को जो पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कम से कम वो पानी आना शुरू हुआ, लोगों को इतना ही नहीं बल्कि दूध नहीं मिल रहा था कि बच्चों को दूध पिलाए, चाय बना सके, यह तमाम असुविधाएं लोगों की थी। जरूर जब कल से थोड़ा बरसात रुकी है तो जरूर कुछ इलाके में जहां भी बिजली नहीं थी वहां पर व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से स्थिति सुधरी नहीं है, क्योंकि जो तूफान ने जो तबाही के गया है वह सुधरने में काफी वक्त लगेगा। देखिए, अगर नुकसान की बात कर लेना तो नुकसान के लिए सरकार ने साफ साफ आदेश दे दिया सभी जिलाधिकारियों की कि वह इसका आकलन करें और रिपोर्ट बनाएं कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन आप यकीन मानिए कि हजारों करोड़ का नुकसान जरूर इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं असलम शेख, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों का नुकसान भरपाई सरकार करेगी, उसके लिए आकलन किया जा रहा है, लेकिन नुकसान काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी मौसम उतना अच्छा नहीं है मुंबई और महाराष्ट्र के, जहां जहां साइक्लोन गया है, रुक रुक के लगातार तेज बरसात हो रही है, लेकिन कल तक जो बताया गया मौसम विभाग द्वारा कल तक स्थिति पूरी तरह सुधर सकती है मुंबई और महाराष्ट्र। अभिषेक, ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है कि तूफान से हुए नुकसान पर आज कैबिनेट मीटिंग लेंगे उद्धव ठाकरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3:30 आज उद्धव ठाकरे कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं और सभी मंत्री उनके मौजूद रहेंगे साइक्लोन को लेकर। देखिए, कैबिनेट मीटिंग हर वीकली मीटिंग होती है, लेकिन चूंकि इस वीक में साइक्लोन आया, बड़ा नुकसान हुआ, तो जाहिर सी बात है साइक्लोन को लेकर बड़ा मीटिंग की जाएगी, बातचीत की जाएगी उस मामले को लेकर। कोविड एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कोविड को लेकर बातचीत की जाएगी, वैक्सीनेशन कैसे दिया जाए उसकी बात होने वाली है। उतना ही नहीं बल्कि शाम को 5:30 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ वह वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने वाले, ताकि वहां जाना लेंगे कि क्या क्या स्थिति उनके एरिया में है, तो तमाम वारफुट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए और जानेंगे आपसे डिटेल में, लेकिन फिलहाल दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सब्यसाची वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। सब्यसाची, इस तावते तूफान का असर दिल्ली में भी देखा जा रहा है, कल से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, रात भर झमझम बारिश हुई है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि आप छतरी का सहारा लेकर, माइक आईडी लेकर खड़े हैं, लेकिन अभी मौसम क्या कुछ कह रहा है, और दूसरी बात यह कि जो मौसम विभाग है उनका क्या कहना है, कब तक दिल्ली में ऐसा ही मौसम रहेगा? देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में 48 घंटे तक ऐसा मौसम बना रहेगा और पिछले 1.5 घंटे से बारिश काफी तेज हो चुकी है। दिल्ली में सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही थी और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है दिल्ली और NCR के कई क्षेत्रों में, और ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जो हवा की गति है वो भी बढ़ सकती है और करीबन 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल सकती है और पूरे दिन रुक रुक के बारिश होगी और कुछ हिस्सों में तेजी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने। ठीक है, ठीक है सर। साथी आपके पास आए, वसंत के पास चलेंगे, राजस्थान में भी एंटी, एक छोटा सा अपडेट और ले लेते हैं। अभिजीत जी, प्राइम मिनिस्टर कहां पहुंचे हैं, एरियल सर्वे है आज,
समीक्षा बैठक अहमदाबाद में लेना है, प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बताइए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में भावनगर में लैंड होंगे और वहां से वो एक मीटिंग करेंगे, आला अफसर जो है वहां पे उनके साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद वो हवाई निरीक्षण के लिए निकलेंगे और हवाई निरीक्षण के दौरान वो गीर कमराज डिस्ट्रिक्ट है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट का हवाई निरीक्षण करेंगे और साथ में इंडियन टेरिटरी जो है दीव का वहां पर भी निरीक्षण करेंगे क्योंकि वहां पर भी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद वापस भावनगर आएंगे और 1 बजे के आसपास भावनगर से टेकऑफ करके अहमदाबाद वहां पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर और गुजरात के आला अफसर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के आला अफसर के साथ बैठक करके आकलन लेंगे कितना नुकसान हुआ साइक्लोन के कारण, उसके आधार पर केंद्र सरकार गुजरात के लिए कितना रिलीफ पैकेज जारी अनाउंसमेंट करेगी उसके ऊपर सबकी नजर है। हालांकि गुजरात में करोड़ों का नुकसान हुआ है तो केंद्र सरकार भी ज्यादा से ज्यादा सहाय करे गुजरात को, ऐसी अपेक्षा गुजरात सरकार की है। तो अब देखना यह है कि बैठक में किस तरह का आकलन होता है और प्रधानमंत्री किस तरह की ठीक जी ठीक है। बसंत का रुख कर लेते हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए। बसंत, अब गुजरात में तबाही मचा करके राजस्थान में दस्तक दे दी है इस तूफान ने, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि वहां पर रफ्तार उसकी धीमी है, तो अभी वहां क्या स्थिति राजस्थान में, कैसा मिजाज मौसम का? बसंत आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद बसंत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली से सभ्यसाची, गुजरात से अभिजीत भट्ट और मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे देश में बढ़ते मौत के मामले जो है वो डरा रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन में रिकॉर्ड 4552 से ज्यादा की जान गई है, 24 घंटे में 2,67,044 नए बीमार मिले हैं। लगातार दूसरे दिन संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 86.2% हो गया है, रिकवरी रेट भी बढ़ा है, जो केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रहा है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। जी हाँ, मौत के आंकड़े को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अगर रिकवरी रेट अच्छा है, पेशेंट्स कम आ रहे हैं, तो इतनी ज्यादा जाने कोविड के चलते देश में क्यों हो रही है? रिकॉर्ड जाने जा रही है कोविड पेशेंट्स की, इसको लेकर आप कह सकते हैं एक सवाल खड़ा हुआ है, क्या सारा डाटा जो आ रहा है वो ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ों का ही खेल है और सबसे बड़ी वजह ये कि टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही है, किसके पीछे कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि टेस्टिंग न होने की वजह से आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है वो चिंता का विषय बनी हुई है। तो कोरोना से रिकॉर्ड मौत पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की नीति ध्यान भटकाओ झूठ फैलाओ, शोर मचाकर कोरोना के तथ्य छुपाने की नीति है केंद्र सरकार की, कहना है राहुल गांधी का। वैक्सीन कम होती जा रही है, मौत बढ़ती जा रही है, वैक्सीनेशन कम है, मौत का आंकड़ा बढ़ा, क्या लिखा? वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो कोरोना से रिकॉर्ड मौत पर राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि केंद्र की नीति ध्यान भटकाओ झूठ फैलाओ, और साथ ही साथ आगे राहुल लिखते हैं कि शोर मचाकर कोरोना के तथ्य छुपाने की नीति है ये केंद्र सरकार की। इसके अलावा राहुल ने आगे लिखा कि वैक्सीन कम होती जा रही है और मौत बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है, सप्लाई से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है, यह कहना है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी ने कहा है कि डिमांड ज्यादा होने से दिक्कत हो रही है, 10 और कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देना होगा। और आगे नितिन गडकरी कहते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर यह फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन रजत आपको याद होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी तो इस पर जमकर सियासत हुई थी, राजनीति हुई थी, यहां तक कि बीजेपी के कई नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया था और आकर कहा था कि यह कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वैक्सीन बनानी है लिहाजा सबको नहीं दे सकते। लेकिन अब खुद जब नितिन गडकरी ये मांग कर रहे हैं तो देखना होगा कि इसे पार्टी कैसे लेती है। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इम्पोर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में दो दो तीन तीन लेबोरेटरी ऑलरेडी है, मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए।
तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है, तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है। आप अनायसे दिल्ली में है तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है, अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। तो वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ ये कहना है कि हमें और ज्यादा कंपनियों को देने पर विचार करना होगा और ये फैसला हमें जल्द से जल्द लेना होगा। और इधर कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में है। आज सुबह सुबह वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं और नए मरीज से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, यानी संक्रमण से ज्यादा लोगों की संख्या ऐसी है जो ठीक हो रहे हैं। लेकिन बार बार एक बात आपको डराएगी और हमको भी डरा रही है कि मौत के जो आंकड़े हैं उसमें कहीं भी कमी नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए पीएम केयर फंड द्वारा लगाया गया है सफदरजंग हॉस्पिटल में, जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। वहीं पर डॉक्टर हर्षवर्धन है और बकायदा डॉक्टर्स की पूरी टीम है उनके साथ। तो जो नया प्लांट है उसकी समीक्षा करी, जो वार्ड्स है उनकी समीक्षा करी। हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ खुद भी डॉक्टर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, कोरोना की थर्ड वेव को लेकर एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी ये मीटिंग। डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके पहले वो अपील कर चुके हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है और ये स्ट्रेन सिंगापुर से आ रहा है, इसलिए सिंगापुर की जो फ्लाइट्स है, सिंगापुर से जो आदान प्रदान है वो केंद्र सरकार को बंद कर देना चाहिए। तो अहम खबर ये है कि दिल्ली में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, कोरोना की थर्ड वेव को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है, दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर ये दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना की थर्ड वेव को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है। हमारी नजर होगी साइक्लोन्स पर, अपडेट क्या है, प्रधानमंत्री कहां कहां जाते हैं, एरियल सर्वे के बाद समीक्षा बैठक में क्या कहते हैं, 12 बजे अरविंद केजरीवाल मीटिंग बुलाते हैं, थर्ड वेव को लेकर तैयारी क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इन सब चीजों पर हमारी नजर होगी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।